हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। 15 दिन के ब्रेक के बाद ये गेम प्ले यहाँ पे कर रहा हूँ दोस्तों, उसी का ये वीडियो है। तो यहाँ पे देखते हैं कौन से टेबल पे यहाँ पे खेलना चाहिए। 4,000 का यहाँ पे डिपॉजिट किया है और डिपॉजिट 4,000 डिपॉजिट पे मुझे यहाँ पे एक पोकर टूर्नामेंट था 12.5 लाख का, उसके लिए टिकट वहाँ पे मिला था। उसका भी गेम प्ले मैंने अभी यहाँ पे किया था, वो भी रिकॉर्ड है। अगर आप देखना चाहते हैं तो कमेंट जरूर कर देना, मैं वहाँ पे अपलोड कर दूंगा आपके लिए। और डेली यहाँ पे है ना, मैं अब शेड्यूल बनाने वाला हूँ दोस्तों। तो मॉर्निंग 10 यहाँ पे मॉर्निंग को 10 AM यहाँ पे डेली मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। तो आप बेल आइकन प्रेस करके रखना ताकि कोई भी वीडियो आप मिस नहीं करें। और अगर आप चैनल में नए हैं दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, और टेलीग्राम पे भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो। अभी यहाँ पे आ जाते हैं दोस्तों गेम प्ले पे। और यहाँ पे है ना 4,000 थे और मैं यहाँ पे 1,000 रुपये यहाँ पे लेके बैठ जाता हूँ। कभी भी है ना, अगर आप नए यूजर हो दोस्तों तो कभी भी सारा अमाउंट लेके मत बैठो। और नए यूजर हो तो खासकर आपको बड़ा अमाउंट डिपॉजिट करना ही नहीं है, छोटे अमाउंट से खेलो। और पुराने यूजर हो और लॉस करते हो तो दोस्तों है ना, आपको एक साथ अमाउंट को लेकर नहीं बैठना है, उसको 4 या 5 टुकड़ों में आपको बांट के जैसे खेलना है। क्योंकि है ना, थोड़ा किस्मत पे भी चलता है गेम यार। कभी कभी है ना किस्मत पे बोल सकते हैं, पॉसिबिलिटी पे बोल सकते हैं यार दोस्तों। कभी के यहाँ पे है ना, हर सेकेंड यहाँ पे पॉसिबिलिटी चेंज होती है। तो कभी कभी जीतने वाले हैंड भी है ना यार यहाँ पे हार जाते हैं। तो सारा अमाउंट का एक साथ रिस्क लेना नहीं चाहिए। अभी यहाँ पे चलते हैं। पहला ही हैंड था यहाँ पे बेगम और फ्री था, अभी यहाँ पे इक्का और थ्री आता है। देखते हैं यहाँ पे, अभी चेक तो करके जाते हैं। दोनों कलर, दोनों कार्ड का सेम कलर है यहाँ पे और इक्का भी है साथ में। तो प्लस अगर बनता है तो भाई सबसे हाई प्लस बनेगा अपना यहाँ पे। तो देखते हैं यहाँ पे यार, यहाँ पे थोड़ा टाइम ज़्यादा लेते हैं यार टेबल पे। चलो भैया, यहाँ पे 4 और 10 गिरा है तो अपना तो कुछ भी बन नहीं रहा है दोस्तों यार। तो यहाँ पे पीछे वाले भाई ने चेक किया है तो थोड़ा सा एक रेज कर देता हूँ ताकि यहाँ पे है ना थोड़ा कंफ्यूजन कर सकूँ इनके बीच में। और यहाँ पे भाई ने री रेज कर दिया है तो अभी है ना भाई यहाँ पे गेम को यार फोल्ड करने में ही समझदारी, यहाँ पे फोल्ड करके ही जाएंगे यार। क्योंकि री रेज किया है भाई ने और उसके बाद अपने पीछे जो भाई ये बैठे हैं इन्होंने, दीपक ने यहाँ पे चेक कर लिया है। तो कार्ड तो इनमें से किसी न किसी के पास है अच्छा खासा यहाँ पे। और यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूटर से पीछे यहाँ पे बैठा है 4-8 नाम का प्लेयर यहाँ पे, उसने वहाँ पे रिरेज किया था। तो वहाँ पे है ना उसका अनुमान लगाना भी थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे ब्लफ भी कर सकता है बंदा फोल्ड कराने के लिए, और वहाँ पे कार्ड होना तब भी कर सकता है। और यहाँ पे तो चलो भाई ठीक है यार, यहाँ पे तो कार्ड भी ओपन नहीं हुआ यार। चलो ठीक है, अभी वापस आगे बढ़ते हैं। 9 और 10 यहाँ पे अगले हैंड पे आता है अपने पास, और यहाँ पे 150 का रेज किया है राहुल ने और 4-8 ने यहाँ पे चेक कर लिया है। मतलब यहाँ पे अभी अमाउंट है ना दोस्तों 450 और 500। चलो ठीक है यार, 600 के और समथिंग यहाँ पे अमाउंट टेबल पे गिर गया है और 877 यहाँ पे गिरा है। तो देखो यार, स्ट्रेट बनने के चांस है और रेज करके गेम स्टार्ट हुआ है ना। तो देखो यार है ना, यहाँ पे अपने चांस तो बनते हैं यार दोस्तों। 150 का वापस से रेज किया है यहाँ पे, तो चेक करते हैं यार। ठीक है, इतना यहाँ पे रिस्क बनता है। 300 का फिर से किया है और इसी वजह से यहाँ पे टोटल अमाउंट लेके नहीं बैठा था मैं, क्योंकि बड़ी टेबल पे बैठते ज़्यादा अमाउंट लेके बैठते और ज़्यादा यहाँ पे रिस्क ही लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता, इसी वजह से नहीं लिया। और यहाँ पे है ना देखो यार, गुलाम और 6 से मेरा स्टेट बनने के चांस थे, बहुत ज़्यादा चांस हो रहे थे। और ये भाई है ना यहाँ पे जो रेज करके गया था वही यहाँ पे रेज कर रहा था, तो ब्लॉक होने के भी चांस हो रहे थे इसके, क्योंकि छोटे कार्ड वहाँ पे गिरे थे टेबल पे। चलो भाई यहाँ पे विन कर गए हैं यार, बहुत बड़े हैंड यहाँ पे लगा है। लाइक कर दो दोस्तों, इसके लिए लाइक जरूर करना यार। और अगर लाइक नहीं किया है तो और भी जो कोई हैंड आपको पसंद आए उस पे वहाँ पे लाइक कर देना। चलो ठीक है भाई, यहाँ पे फिर से है ना रेस से ये गेम स्टार्ट हुआ था और गुलाम या बेगम यहाँ पे मेरी लगी है और 600 का रेस किया है भाई ने और अमाउंट भी बहुत ज़्यादा है। बेगम यहाँ पे लगी है 1 सेकेंड के लिए, तो यहाँ पे सोच ही रहा था मैं यार का बड़ा पेयर ऑलरेडी लेके बैठा हो, पर फिर भी यहाँ पे मारते हैं दोस्तों, मारते हैं यहाँ पे यार। इक्का और बेगम यहाँ पे मेरे पास थी, 600 का रेज किया था, अच्छा खासा अमाउंट टेबल पे आ गया था, तो मारना वहाँ पे बन रहा था दोस्तों। और बादशाह भी देखो यार वहाँ पे शो भी किया था, अगर बादशाह अगले हैंड पे लग जाता ना दोस्तों तो फिर बहुत बड़ी पिक्चर वहाँ पे बन जाती।
इसलिए है ना जितना जल्दी हो सके ना एक्शन लेना ले लेना चाहिए वहां पे। 9-10 है यार देखो, और फिर से यहाँ ना यहाँ सिंगल कार्ड से यहाँ पे प्लस यहाँ पे स्टेट बनने के चांस है ओनली 8 से, तो ये थोड़ा यहाँ पे बड़ी रीजन है वो यहाँ पे चेक नहीं करेंगे। छोटी चलेगी ठीक है, यहाँ पे 100 की कर रहा है राहुल, ठीक है यहाँ पे 100 की चेक करेंगे ठीक है, यहाँ पे चेक कर लेंगे फिर से वापस से यार, 8 गिर जाए तो फिर भाई अपना काम बन जाएगा। चलो भाई नहीं गिरा यार, चलो अभी तो कोई मतलब ही नहीं है, अभी वो ब्लॉक कर रहा हो या कुछ भी कर रहा हो अभी तो कोई मतलब नहीं है, अपने पास 8, 9 और 10 ही ओनली। चलो फिर भाई अगले हैंड पे यहाँ पे चलते हैं, 1-5 है यहाँ पे और सेम कलर में है, तो चेक तो करना बनता है दोस्तों, चेक तो यहाँ पे करके जाएंगे। अभी देखते हैं आगे, 175 का यहाँ पे राहुल ने रेज किया है, तो चेक कर लेते हैं यार, एक ही प्लेयर है वहाँ पे ठीक है, चेक कर लेते हैं। और कुछ भी नहीं लगा यार, है ना बिल्कुल ही ब्लफ भी हो सकता है बंदे का, पर अपने पास 1-1 के साथ है ना ज़्यादा बड़ा कार्ड नहीं है, तो हाई कार्ड के लिए तो खेलने का कोई मतलब ही नहीं है। अगर प्लस का कार्ड गिरता ना तब उसके लिए वहाँ पे अपने अपना थोड़ा स्ट्रॉन्ग कार्ड बनने का वहाँ पे चांस था, अभी तो कोई मतलब नहीं था वहाँ पे। फिर से 1-6 था यार, चेक करके तो जाना बनता है वापस से, देखते हैं फिर से राहुल यहाँ पे क्या करता है, रेज मार रहा है प्लेयर यार, देखो यार ये बंदा है ना रेज यहाँ पे। चलो भाई ठीक, इस बार तो यहाँ पे रेज करके नहीं गया है और सभी ने यहाँ पे चेक ही किया है, कार्ड भी यहाँ पे चलो यार लगा नहीं है अपना, 50 का तो रेज कर दिया भाई ने। चलो ठीक है भैया, राहुल भाई है ना भाई, हम हमेशा एक ना एक यहाँ पे रेज छोटा मोटा मार ही रहा है वो, ठीक है यार 6 गिरा है, तो यार देखो यार है ना वो छोटा ही रेज था, वहाँ पे 1 का कार्ड गिर जाता ना तो फिर मेरा वहाँ पे अच्छे कार्ड मिलने के चांस है, इस वजह से यहाँ पे चेक करता हूँ, पर ये भाई यहाँ पे बड़ा रेज मार देता है तो फोल्ड करते हैं यार। चलो भाई ठीक है यार, फिर से बढ़ते हैं आगे, गुलाम और 4 यहाँ पे सेम कलर में मेरे पास है और फुल ब्लाइंड मेरी लगी हुई है दोस्तों, तो देखते हैं यहाँ पे चेक करके तो जाएंगे कोई रेज करता है तो। चलो ठीक है, किसी ने यहाँ पे रेज नहीं किया, चेक किया है, और यहाँ पे देखो यार 10 से भी मेरे स्टेट बनने के चांस है और 8 का कार्ड से भी यहाँ पे प्लस बनने के चांस है ना, तो बहुत ज्यादा चांस हो रहा है यहाँ पे। अभी तो यहाँ पे है ना चेक कर लेते हैं दोस्तों, कार्ड मिलाने के बाद ही है ना फिर है ना वहाँ पे मारेंगे, और ऐसे कंडीशन पे है ना यार मतलब ब्लफ भी कर सकते हैं अपन, उल्टा यहाँ पे रीरेज कर सकते हैं, पर चांस होता है कि अगर बंदे का ऑलरेडी बहुत सही कार्ड लग गया होगा ना तो फिर वहाँ पे है ना अपने लिए बहुत मुसीबत हो जाएगी बड़ी वाली, क्योंकि जो हैंड अपन यहाँ पे आगे बना के सामने वाले को लॉस कर सकते हैं ना वहाँ पे, वो यहाँ पे है ना चूक जाएंगे, अगर स्ट्रेट होगी तो फिर भी आ ही जाएगा बंदा लपेट में। यहाँ पे बंदा छोटे छोटे रेस कर रहा था तो मैं मारता हूँ एक छोटा सा यहाँ पे, और भाई ये बंदे ने यहाँ पे फोल्ड कर दिया, तो 2 बंदों के वहाँ पे पास प्लस था और 1 स्ट्रेट बन रही थी और दोनों ने फोल्ड कर रखा था भाई, बहुत ही बढ़िया अच्छा कार था यार लगता वहाँ पे हैंड, वो अगर वो दोनों बंदे वहाँ पे चलाते तो। और यहाँ पे तो दोस्तों है ना फर्स्ट टाइम पे यहाँ पे फर्स्ट लेप में यहाँ पे है ना लग गया है भाई, स्ट्रेट यहाँ पे लगा है, सभी ने यहाँ पे चेक किया है, तो एक छोटा सा रेस तो कर देते हैं यहाँ पे क्योंकि प्लस बनने के भी चांस हो रहे हैं यहाँ पे यार। और यहाँ पे है ना 10 ऐसे 10 यहाँ पे गिर जाता है तो 9 और बेगम से है ना स्ट्रेट बनने के भी अपन से बड़ी बनने के चांस रहेंगे, पर प्लस से यहाँ से थोड़ा डर था, प्लस का यहाँ पे जरूर डर था थोड़ा, वो भी 3 कट गया था इतना भरी था, पर छोटा मोटा रेज वहाँ पे करना बनता है, ये इतना अच्छा खासा हैंड खोने का कोई मतलब नहीं है, छोटा मोटा हमेशा रेज करना चाहिए ऐसे टाइम पे। और चलो भाई ठीक है, यहाँ पे वापस से अगले हैंड पे आते हैं, 10 यहाँ पे आए हैं, तो यहाँ पे मेरा ध्यान कहीं और था दोस्तों, और इस चक्कर में ना एंड पॉइंट पे वहाँ पे पता चलता है, तो मैं जल्दबाजी में यहाँ पे 50 का ही रेज करके जाता हूँ या चेक करके जाता हूँ, फुल कर लेता हूँ मतलब फुल ब्लाइंड को, और यहाँ पे है ना भाई छोटा रेज करने की सोच रहा था मैं, पर टाइम नहीं था तो फिर मैं यहाँ पे जल्दबाजी में कर देता हूँ चेक, और अभी यहाँ पे सभी ने भाई यहाँ पे चेक ही किया है ठीक है। और चलो भाई 3 ऑफ काइंड बन गया है भाई, सबसे बड़ा कार्ड है, 100% विनिंग यहाँ पे, अभी 3 जो कार्ड गिरे हैं यहाँ पे तो 100% अपन सबसे हाई कार्ड पे हैं, और 87 का यहाँ पे भाई ने मारा है, तो थोड़ा रेज करता हूँ डबल से, क्या पता डबल पेयर हो ना भाई के पास तो उठा के मारते, और यहाँ पे मैं थोड़ा रेज करता हूँ यार क्योंकि छोटा छोटा रेज कर रहा है, तो बंदे के पास अमाउंट भी है, उसको अगर ज़्यादा लाना है डाउन तो थोड़ा उलझना पड़ेगा, और ठीक है भैया यहाँ पे फोल्ड करके निकल जाता है, 4 ऑफ काइंड बना था यार, बहुत ही सॉलिड कार्ड था भाई वहाँ पे,
और उसको लेके बैठने का कोई मतलब नहीं था, जितना अमाउंट हो सके वहां पे निकालने से मतलब था, क्योंकि स्ट्रेट अगर वो बना देता ना भाई तो फिर बंदा लपेट देता अपने को, और वो इसके लिए कोशिश कर रहा था। और फिर ठीक है चलो यार, यहाँ पे डबल 10 और जे यहाँ पे गिरा है, और अपना कार्ड तो बनने का चांस है, अभी यहाँ पे प्लस बनने का जरूर चांस है, 150 यहाँ पे रिच। चलो भैया यहाँ पे चेक कर लेते हैं यार, यहाँ पे है ना स्टेट बनने के भी चांस है और प्लस बनने के भी चांस होते हैं, तो भैया यहाँ पे चेक करके जाते हैं यार। और चलो भाई चेक किया है वापस भाई ने फिर से, मतलब ब्लफ भी कर रहा था शायद, वो कार्ड वार्ड मिलने की पॉसिबिलिटी होगी उसकी लास्ट कार्ड से, इसी वजह से उसने वहाँ पे ब्लफ कर दिया। 200 का रेज क्या है, तो भैया यहाँ पे यार है ना पहले ये बंदा शांत था और इसने 150 का किया सेकंड। चलो चेक करते हैं यार, क्या पता वो कार्ड मिलाने के लिए कुछ कर रहा हो, लास्ट में वहाँ पे किसी ने रेज नहीं किया तो वहाँ पे थोड़ा रेज कर दिया, ब्लफ भी हो सकता था, और वहाँ पे 8 लगा हुआ था भाई का। चलो ठीक है यार कोई नहीं, ब्लफ भी हो सकता था, अगर वो स्टेट विस्टेट बनाने की कोशिश कर रहा होता ना वहाँ पे तो जरूर फिर वो हार जाता वही सोच के, क्योंकि अगर स्टेट बनाने के लिए कोशिश करता तो उसके पास छोटे कार्ड होते मेरे से, और स्टेट जैसा वहाँ पे कोई कार्ड गिरा नहीं था लास्ट में, तो ब्लफ भी वहाँ पे हो सकता था, इसी वजह से वहाँ पे चेक करता हूँ। चलो फिर से यार यहाँ पे बढ़ते हैं भाई, कट है ना यहाँ पे, और 6 और 1 और 9 यहाँ पे टेबल पे गिरा है फर्स्ट प्लेट में, तो भाई रेस करके आया था, तो अभी है ना रेस करना बिल्कुल बनता है अपना यार दोस्तों, ठीक है ना, यहाँ पे रेस करना बनता है, क्योंकि भाई ने वहाँ पे रेस करके आया था, तो मैं थोड़ा स्टार्टिंग में सोच रहा था उसके पास इक्का भी हो सकता था, और इक्का हो और उसके साथ थोड़ा हाई कार्ड हो ना वो भी मेरे को यहाँ पे डरता थोड़ा, पर यहाँ पे रेस करना छोटा सा एक रेस करके देख सकता था मैं, ताकि सामने वाले की चाल को भी समझ सकूँ, अगर उसके पास अच्छा कार्ड होगा ना तो फिर वो रेज वहाँ पे मारता तो चाल भी समझ में आ जाती। चलो भाई, और वो यहाँ पे बल्ब भी समझ सकता था अपने यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे रेज किया, तो वो बल्ब भी समझ के वहाँ पे चेक कर सकता था। चलिए भाई ठीक है, फिर से इक्का और गुलाम है और सेम कलर है यहाँ पे, चड़ी का इक्का गुलाम है, अभी देखते हैं यहाँ पे रेस तो आया है तो चेक करेंगे यार, चेक तो कर लेते हैं, देखते हैं एक कार्ड गिरता है तो फिर लपेटेंगे भैया, अभी तो कुछ भी नहीं गिरा है, अपना तो कोई कार्ड लगने का भी चांस नहीं है, तो टेबल पे गिरा हुआ कार्ड है ना दोस्तों वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है, और जो टेबल के कार्ड है होते हैं वहाँ उनको कम्युनिटी कार्ड बोलते हैं दोस्तों, और जो अपने पास दो कार्ड है ना हर प्लेयर के पास जो दो दो कार्ड, इनको इनको यहाँ पे बोलते हैं होल कार्ड, जो हर प्लेयर को दिए जाते हैं दो दो कार्ड उनको होल कार्ड बोलते हैं, और टेबल के कार्ड को यहाँ पे कम्युनिटी कार्ड बोलते हैं, और इनको मिला के यहाँ पे अच्छा स्ट्रॉन्ग हैंड अपने को बनाना होता है। चलिए भाई बेगम और 9 यहाँ पे है, और यहाँ पे परसेंटेज जरूर देखा करो दोस्तों है ना, जब यहाँ पे हैंड ओपन होते हैं तो परसेंटेज पे हमेशा ध्यान दिया करो, बहुत ही वो उससे आपका गेम प्ले बहुत ही इम्प्रूव होगा यार, और पॉसिबिलिटी को समझने लग जाओगे, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी पे समझने लग जाओगे। चलिए भाई ठीक है, यहाँ पे इक्का और बादशाह है, तो अभी है ना रेस करेंगे भैया यहाँ पे है ना अपना, यहाँ पे वो लास्ट में मेरी चाल है यहाँ पे, तो रेस तो करना बनता है, सभी ने यहाँ पे फोल्ड किया है ना, तो भैया यहाँ पे अभी तो रेस करेंगे, दो यहाँ पे प्लेयर हैं सामने हैं तो भैया देखते हैं, और ये भाई साहब के पास तो अमाउंट भी कम है, 250 का सही किया है, अगर ये करते हैं तो फिर तो भैया अभी तो आ ही जाएंगे, ये 250 बचा है अमाउंट, तो अभी तो मारते हैं भैया, अभी है ना आगे ले जाने का कोई मतलब नहीं है, अगर अपने पास उसका छोटा मोटा भी लग जाएगा ना तब भी वो मारेगा, और अपने को चेक करना पड़ेगा, इससे अच्छा है अपन पहले से ही मार दें ताकि उसके लिए रिस्क ही है वहाँ पे, और बेगम और गुलाम में भी चेक कर लिया, ठीक है भैया 9 गिर गया ना तो 32, अरे अरे चलो भैया प्लस बन गया 4 कार्ड से यार, भाई साहब क्या बात है यार, ओ भैया स्लिप से यहाँ पे आया है ये, देखो यार ये रेंडम यहाँ पे बॉक्स आता ही है यहाँ पे, और इसमें है ना रेंडम अमाउंट ही यहाँ पे मिल सकता है, 400 350 1500 2000 5000 कितना भी मिल सकता है, 5000 यहाँ पे दे रखा है मैक्सिमम, इसमें 5000 का दिया हुआ है इस वाली टेबल के अकॉर्डिंग, बड़ी टेबलों पे जाओ तो उससे बड़ा वहाँ पे, तो रेंडम किसी भी टाइम पे ये आ सकता है। चलिए भैया 400 से आया, तो अपना तो यार मेरा तो यहाँ पे दुक्का 3 था यहाँ पे कार्ड, तो भाई मैं तो देता हूँ फोल्ड करके, और ये भाई है ना तीनों भाई यहाँ पे उलझ गए हैं यार, उसको लेने के चक्कर में लेने के देने पड़ गए भैया कार्ड बंदे का यार, गुलाम और बेगम 10 था बहुत बड़े कार्ड था, 5 और 6 है यहाँ पे, देखो यार ये हैंड भी बहुत ही मज़ेदार होने वाला है दोस्तों, यहाँ पे बहुत ही बुरी तरीके से मैं हार सकता था यार, अभी है ना देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, और देखो यार
5 4 6 का, और यहाँ पे सेम कलर का कार था। और ये भाई है ना, यहाँ पे अमाउंट ज़्यादा लेके बैठा हुआ था, तो यहाँ पे ये बार बार रेज भी कर रहा था, तो मैं चेक करने की सोच ही रहा था यहाँ पे। और देखो है ना, क्या पिक्चर होती है एक टाइम के लिए। तो यार यहाँ पे मेरा मन तो था, मैंने कहा चलो यार फोल्ड करके जाते हैं। छोटा कार्ड है ना भाई, बहुत बुरी तरीके से लॉस कर रहा था यार। एंड का एंड एंड कंडीशन पे है ना, ये बहुत ज़्यादा फ्लॉप होता है। जैसे छोटा कार्ड होता है, उसके पेयर वेयर ऐसे लास्ट में जाके फ्लॉप हो जाते हैं। यहाँ पे देखो डबल पेयर तो यहाँ पे लगे थे यार, पर देखो है ना लास्ट कार्ड है ना, जो देखो यार चेंज करता है जो कंडीशन को है ना भाई, कुछ भी नहीं होने वाला था यहाँ पे। मैं 1,000 यहाँ पे बिल्कुल मैं लॉस कर जाता यहाँ पे यार, बहुत बुरी तरीके से। अगर मैं गेम के अंदर यहाँ पे गिर आता ना, तो फिर वो डबल 10 जिनके पास थे भाई के पास, वो भी वहां पे जरूर फोल्ड कर देते। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, और कमेंट करके आपकी राय जरूर देना आपको गेम प्ले कैसा लगा। और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करके रखो दोस्तों, बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखना, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और लाइव स्ट्रीम के साथ